कोल्हापुर के एक शहर में संवाद अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहता था। कोल्हापुर में सूखा और गर्मी होने के कारण लोग ज्यादातर अपने घरों में रहते थे। इतनी गर्मी है, लग रहा है नरक में हूँ। क्या आप भी हमेशा नरक और बहकी बहकी बातें करते रहते हैं? कुछ दिनों की बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये तुम पिछले एक महीने से कह रही हो, आज खाना खा लो, कल तो हमें खाना भी नहीं मिलने वाला। काश दूसरे गांव और कस्बों की तरह हम भी खुश होते। दूसरे गांव के मर्द हमेशा काम और मेहनत करते हैं, यूं ही नहीं घर में बैठे बैठे रोटियां तोड़ते रहते हैं। तुम हमेशा मुझे ताने मारकर ही खुश रहो, ये नहीं है कि कभी मेरी थोड़ी तारीफ कर दें। तारीफ करने लायक कोई काम भी तो कर लो। संवाद अपनी पत्नी भाग्या से बहस करके घर के बाहर चला जाता है। चलो संवाद भैया, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? तुम बड़े ढीले हो, हमेशा गांव में सब कुछ होने के बाद ही आते हो। हुआ क्या, पहले ये बताओ, ज्यादा मुँह ना चलाओ। वहाँ देखो, शेरू शहर से बर्फ लेकर आया है और गांव वालों को मुफ्त में खिला रहा है। जाओ जाओ, थोड़ी सी बर्फ ही ले लो और अपनी पत्नी को जाकर दे देना। कम से कम तुम्हारे बर्फ से वो खुश तो हो जाएगी, क्योंकि गजरा तो तुम देने वाले नहीं हो। संवाद ये खबर सुनकर ही शेरू के पास दौड़ पड़ा और उससे पूछने लगा। अरे शेरू भाई, ये इतनी सारी बर्फ तुम कहाँ से ला रहे हो? बड़ा अच्छा लग रहा है तुम्हें गांव वालों की मदद करता देख। ज्यादा मस्का मत मारो और बर्फ ले जाओ, मैं तुमसे कोई पैसे नहीं लेने वाला। नहीं, मुझे बस इतना बताओ कि ये बर्फ तुम ला कहाँ से रहे हो? मैं फिर से तुमसे कह रहा हूँ, आम खाओ ना, गुठलियाँ क्यों गिन रहे हो? उस वक्त तो संवाद शांति से बर्फ लेकर अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी भाग्या के साथ बड़े चाव से बर्फ को पानी में मिलाकर पीता है। शेरू कितना अच्छा और भला आदमी है, लोगों को बर्फ देकर उनकी प्यास बुझा रहा है, वरना इस गर्मी में हमारी क्या हालत होती पता नहीं। इससे पहले तो तुम कह रही थी कि गर्मी कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगी, तुम्हारा मन भी बर्फ की तरह यहाँ वहाँ डोलता रहता है। दूसरे दिन संवाद शेरू का पीछा करने लगता है और उसके साथ उस बर्फ वाली जगह पर जाता है। वहाँ जाकर देखता है किसी अजनबी आदमी से बातें कर रहा है। सुनो, कुछ दिन और बर्फ दे दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, इससे मेरे गांव में मेरी इज्जत बढ़ जाएगी, जिससे मैं गांव का सरपंच बन जाऊंगा। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, देखो ये अब आखिरी बार है, इसके बाद मैं तुम्हें कोई भी बर्फ का टुकड़ा नहीं दूंगा, लेकर चुपचाप यहाँ से चले जाओ, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। जैसा तुम कहो, इस बार मुझे थोड़ा ज्यादा दे देना। शेरू और उस बर्फ वाले की बात को संवाद अच्छी तरह समझ जाता है। शेरू का भांडा फूट चुका था। शेरू के वहाँ से जाते ही संवाद उस बर्फ वाले से कहने लगता है। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी सुनते क्यों नहीं है आप? भाई तुम कुछ बोलोगे तो मैं सुनूंगा ना, और मेरा दिमाग मत खाओ, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। शेरू तुमसे जो बर्फ मुफ्त में ले जाता है, क्या तुम उसे पैसे लेकर बेचोगे? अगर तुम अच्छे पैसे दोगे तो क्यों नहीं, मैं जरूर तुम्हें बेचूंगा। लेकिन एक शर्त पर, तुम अब शेरू या किसी और को बर्फ नहीं दोगे। ये भी कोई कहने की बात है, वो तो मुफ्त में ले जाया करता था और अब तुम पैसे दे रहे हो तो मैं तुम्हें ही दूंगा। अगले दिन से ही उस बर्फ वाले ने शेरू को मुफ्त में बर्फ देना बंद कर दिया और संवाद को पैसे देकर बर्फ बेचने लगा। संवाद उस बर्फ वाले से बर्फ लेकर बेचने की तैयारी करने लगा। आ जाओ, बर्फ खरीद लो, ये अच्छे ठंडे और टिकाऊ बर्फ हैं, गर्मी भगाओ, आ जाओ आ जाओ। अरे वाह संवाद भैया, ये हुई ना बात, गांव में बर्फ बेच रहे हो, हम तो शेरू से मुफ्त में ही ले लेंगे। कोई शेरू वेरू नहीं आने वाला, तुम्हें लेना है तो लो, और अब मुफ्त में नहीं, पूरे 50 रुपए में एक बक्सा मिलेगा बर्फ का। संवाद अपने मन की मनमानी करके बर्फ बेचने लगा। शेरू के हाथ में अब कुछ नहीं बचा था। शेरू ने उसे बर्फ बेचते हुए देखा और कहा, वाह दोस्त वाह, तुमने पीठ पीछे ये सारी साजिश रची, अच्छी चाल चली है तुमने। मैंने तो बस मौके का फायदा उठाया है, तुम जाकर सरपंच बनने की तैयारी करो। अच्छा तो तुम्हें ये बात भी पता चल गई। शेरू उस वक्त कुछ नहीं कर पाया, लेकिन संवाद के मन में लालच का पेड़ आ चुका था। संवाद गांव-गांव जाकर बर्फ बेचने लगा था। गांव वाले लालच और गर्मी से परेशान होने के कारण संवाद से बर्फ मजबूरी में खरीदने लगे थे। अब से मुझे ज्यादा बर्फ चाहिए, मैं तुम्हें ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार हूँ।
यहाँ बर्फ की कोई खदान थोड़ी ना है जो मैं तुम्हें बर्फ दे सकूं। मेरे पास इतना ही मिलेगा, लेना है तो लो वरना मत लो। तुमसे अच्छा तो वो शेरू था, सरपंच बनने के लिए भला गिड़गिड़ाया तो करता था लेकिन दिल का साफ था। संवाद ज्यादा पैसे के लालच में बर्फ में गंदा पानी मिलाया करता था ताकि बर्फ ज्यादा बढ़ जाए। तालाब से पानी लेकर उस बर्फ वाले को दे दिया करता था जिससे बर्फ बढ़े और वो ज्यादा पैसे कमा सके। आप इतने सारे बर्फ ला कहाँ से रहे हैं? कल गांव के कुछ लोग उस बर्फ के पानी को पीकर बीमार हो गए। मेरा तो बड़ा जी घबरा रहा है। ज्यादा लालच के चलते कहीं आप कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं ना? अब गांव वाले कमजोर हैं तो उसमें मेरी क्या गलती, मैं तो बस एक बर्फ का व्यापारी हूँ। बस आप कोई गलत काम मत कीजिएगा। लेकिन संवाद किसी की भी नहीं सुनता। तालाब के पानी से बर्फ जमा कर वो गांव वालों को बेचा करता जिस वजह से आधे से ज्यादा गांव बीमारी की चपेट में आ गए। लोगों को बुखार और कई अन्य बीमारी होने लगी। ये सब बैठकर यमराज और चित्रगुप्त देख रहे थे। आजकल कोल्हापुर में ज्यादा ही बर्फबारी हो रही है महाराज। तनिक इस संवाद की आयु का पता लगाओ। अभी तो उसके जीवन के पूरे 40 साल बचे हैं महाराज। हम आयु के विरुद्ध तो नहीं जा सकते, हमें पिछली बार की तरह पृथ्वी पर जाना ही होगा और उसे सबक सिखाना होगा। तो क्यों ना इस बार हम भी बर्फ का व्यापार कराएं? क्या कहते हैं आप? जैसे लोहा लोहे को काटता है बर्फ बर्फ को काटेगा। तुम बस मेरा खेल देखते जाओ और एक व्यापारी का भेष धारण कर लो। यमराज और चित्रगुप्त कोल्हापुर गांव में भेष बदल कर एक बड़ा व्यापारी का रूप धारण करके चले जाते हैं। हमें करना क्या है महाराज? हम यहाँ एक बड़ा सा बर्फ का पहाड़ बना देंगे। लालच के जाल में फंस कर वहाँ संवाद जरूर जाएगा। यमराज ने अपनी दिव्य शक्तियों से एक बड़ा सा बर्फ का पहाड़ बना दिया। पूरे गांव वाले बर्फ का पहाड़ देखकर दंग रह गए। उनमें मौका देखकर संवाद वहाँ भी पहुँच गया। लगता है उस बर्फ वाले ने ये मेरे लिए लाया है। वो भी तंग आ गया होगा मुझसे। लेकिन मुझे क्या, मैं तो बर्फ बेचूंगा। संवाद उस बर्फ के पहाड़ को देखकर वहाँ चला जाता है और कहता है, ये बर्फ का पहाड़ कहाँ से आया? तब यमराज और चित्रगुप्त वहाँ आ गए और चित्रगुप्त ने कहा, अरे तुम उसकी चिंता क्यों कर रहे हो, ये बर्फ तुम्हारे लिए ही लाई गई है, जाओ जाकर ले लो। हमें उन्हीं बर्फ वाले ने तो भेजा है आपके पास। ये बर्फ आपके लिए उपहार है। आप इतना अच्छा काम जो कर रहे हैं वो भी इतनी गर्मी में लोगों को बर्फ पहुंचा रहे हैं, ये बड़ा ही पुण्य का काम है। अरे ये बात तो मुझे भी पता है। जब भी कोई मेरी तारीफ करता है मुझे बहुत शर्म आती है। संवाद ने आओ देखा ना ताओ और उस बर्फ के पहाड़ में बर्फ लेने की लालच में चला गया। जैसे ही बर्फ के पहाड़ के पास वो पहुंचा, यमराज ने अपनी शक्तियों से उसे बर्फ की एक बड़ी सी कारावास यानी कि बर्फ की जेल में बंदी बना लिया। ये क्या हो गया, मैं बर्फ की जेल में कैसे आ गया? मुझे ठंड लग रही है, मुझे यहाँ से निकालो। संवाद को बर्फ की जेल में देख शेरू और उसकी पत्नी भाग्या दंग रह गए। तब शेरू ने कहा, कौन हो तुम लोग और मेरे गांव वाले को क्यों परेशान कर रहे हो? छोड़ दो मेरे पति को, ठंड के मारे देखो कैसे कांप रहे हैं, ज्यादा ठंड से कहीं बीमार ना हो जाए। तब जाकर गांव वालों को दिखाने के लिए यमराज और चित्रगुप्त अपने असली अवतार में आ जाते हैं और कहते हैं, मैं यम हूँ, यमलोक का यमराज, और मैं हूँ चित्रगुप्त। यमराज और चित्रगुप्त को उनके असली अवतार में देख गांव वाले डर गए। शेरू और भाग्या ने उन्हें नतमस्तक होकर कहा, आप हमारे गांव क्यों आए हैं और आपने मेरे पति को ये कड़ी सजा क्यों दी है? दंड का पात्र संवाद स्वयं है। तब जाकर यमराज और चित्रगुप्त ने सारी सच्चाई गांव वालों के सामने रखी। मुझे छोड़ दो, ठंड के मारे मेरे प्राण निकल रहे हैं, मैं अपनी सारी गलती मानता हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। कृपा करें महाराज, आप देव हैं, आप सब कुछ हैं, मेरे पति के प्राण बख्श दीजिए महाराज, मैं विधवा नहीं होना चाहती। यमराज ने भाग्या और अन्य गांव वालों की बात सुनकर बर्फ की जेल खत्म कर दी और कहने लगे, मैं तुम्हारे प्राणों को हरने नहीं आया था, मैं तुम्हें बस सबक सिखाने आया था, लेकिन तुम्हें दंड दिए बिना मैं जाऊंगा नहीं। आपने दंड दे तो दिया, मैं अब सब समझ गया हूँ, दंड तो तुम्हें अवश्य मिलेगा। आज से तुम जब भी बर्फ को छुओगे तो उसे छूते ही तुम्हें एक बिजली का झटका लगेगा। इतना कहकर यमराज और चित्रगुप्त वहाँ से अदृश्य होकर चले जाते हैं।
संवाद को उसकी सजा मिल गई और वो अपनी पत्नी के साथ शांतिपूर्वक रहने लगा। गांव वालों ने शेरू को गांव का सरपंच घोषित कर दिया और सुखी सुखी रहने लगे। एक गांव में रूपवती नाम की लड़की अपने पिता के साथ रहती थी। रूपवती की माँ तो थी नहीं, इसलिए जब उसके पिताजी ड्यूटी पर चले जाते तो वह घर पर अकेली रह जाती। एक दिन रूपवती ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी या तो मुझे माँ ला कर दो या एक गाय ला कर दो, मैं सारा दिन घर में अकेले बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। बेटा, मेरी उम्र बहुत हो चुकी है, अब तुम्हें माँ तो नहीं मिल सकती, क्योंकि इस उम्र में कोई मुझसे शादी नहीं करेगा, लेकिन मैं तुम्हें गाय लाकर दे सकता हूँ। हर रविवार को गांव में जानवरों का बाजार लगा करता था। रूपवती के पिता बाजार से एक गाय खरीद लाते हैं। अरे वाह पिताजी, बहुत सुंदर गाय लेकर आए हो, मैं इसे मुन्नी कहकर बुलाऊंगी। अब रूपवती घर पर अकेली नहीं रहती थी, वह पूरे दिन मुन्नी के साथ खेलती रहती। कभी उसे घास खिलाती, कभी उसका दूध दूती, तो कभी उसे कविता पढ़कर सुनाती। रूपवती के घर के पीछे सेठ और सेठानी रहते थे। रूपवती की गाय मुन्नी बहुत शैतान थी, उसे जब भी मौका मिलता वह गांव में इधर उधर भाग जाती। एक दिन दोपहर में रूपमती की आंख लग गई, तो मुन्नी सेठानी के घर जाकर उसकी साफ सुथरी जगह में जगह जगह गोबर कर आई। सेठानी जब सोकर उठी उसे बहुत क्रोध आया, उसने आव देखा न ताव और मुन्नी की लाठियों से पिटाई शुरू कर दी। जब मुन्नी के चिल्लाने की आवाज रूपमती के कानों में पड़ी तो वह एकदम उठ गई। रूपवती दौड़ती हुई सेठानी के घर पहुंची। अरे 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 ताई रुक जाओ, ताई बेचारी मर जाएगी। ले जाए इसे यहाँ से, अगर अगली बार इसने घर गंदा किया तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। रूपवती रोती हुई मुन्नी को लेकर घर आई। मुन्नी का एक सींग टूट गया था, लगता है अब इसे खूंटे से बांध कर रखना चाहिए। रूपवती मुन्नी की मरहम पट्टी करती है और एक खूंटा गाड़ कर मुन्नी को खूंटे से बांध देती है। हाँ, अब मैं निश्चिंत होकर रह सकती हूँ, क्योंकि अब ये कहीं नहीं भाग पाएगी। एक दिन रूपवती के घर डाकिया पत्र लेकर आया। क्या हुआ बेटी, किसका पत्र है? पिताजी, शहर के चाचा का पत्र आया है, अगले महीने की 24 तारीख को प्रीति की शादी है। कुछ दिनों बाद रूपवती अपनी चचेरी बहन की शादी में जाती है। देख मुन्नी, बस 2 दिन की बात है, यह चारा रखा है खा लेना, और यह पानी रखा है इसे पी लेना। जब रूपवती और उसके पिता चले गए तो मुन्नी ने खींच खींच कर अपना खूंटा उखाड़ दिया और वह गांव में इधर उधर घूमने लगी। उसने देखा कि सेठ और सेठानी अपने घर में सो रहे हैं। मुन्नी उनके घर में घुसी और उन दोनों के मुंह पर गोबर कर दिया। 2 दिन बाद जब रूपवती घर लौटी तो उसने देखा खूंटा उखड़ा हुआ पड़ा है। पिताजी, मुन्नी कहाँ चली गई? दोनों मुन्नी को गांव में ढूंढने लगे। अरे चाचा, हमारी गाय देखी क्या? बेटा, तुम्हारी गाय को सेठ सेठानी ने पीट पीट कर मार डाला। रूपवती और उसके पिता को बहुत गहरा धक्का लगा, वे सेठ सेठानी के घर पहुँचे। ये मैं क्या सुन रहा हूँ सेठ जी, आपने हमारी गाय को मार डाला? हाँ मार डाला, उसने हमारे मुंह पर गोबर कर दिया था इसीलिए मार डाला। ये तुमने ठीक नहीं किया सेठ, मैं पंचायत में शिकायत करके तुम्हें सजा दिलाऊंगा। शिकायत विकायत से कुछ नहीं होगा, नियम ये है कि जानवर के बदले जानवर देना पड़ता है। मैंने तुम्हारे लिए नई गाय खरीद दी है, वो देखो। हमारी गाय ऐसी मरगिल्ली नहीं थी, ये बूढ़ी गाय पता नहीं कहां से उठा लाए हो। देखो ज्यादा चपड़ चपड़ मत करो, गाय के बदले मैं तुम्हें दे रहा हूँ, बस बात खत्म। मुझसे दुश्मनी लोगे तो ध्यान रखना, इकलौती बेटी है तुम्हारी। क्या करोगे तुम मेरा बताना जरा। चल बेटी, ऐसे घमंडी लोगों के मुंह लगना बेकार है। रूपवती और रूपवती के पिता
बूढ़ी गाय को ही अपने घर ले आते हैं। पिताजी, मुझे अपनी मुन्नी ही वापस चाहिए। बेटा, मुन्नी तो अब वापस नहीं आ सकती। हम इसी बूढ़ी गाय को प्यार से पालेंगे। रूपवती और उसके पिताजी कमजोर गाय की खूब देखभाल करते हैं। उसकी हालत में कुछ सुधार होता है। एक दिन रूपवती गाय का दूध दूने बैठी। पिताजी, जल्दी यहाँ आइए, गाय से दूध की जगह सोने का पानी निकल रहा है। अरे, ये कैसे हो सकता है? कुछ देर बाद सोना बाल्टी में जमकर ठोस सोने में बदल जाता है। मजा आ गया बेटा, ये तो सोना देने वाली गाय है। सोना देने वाली गाय की मदद से रूपवती जल्दी ही अमीर हो जाती है। अरे फूटे भाग्य हमारे, तुम कितने बेवकूफ हो। वह बूढ़ी गाय जिसे तुमने रूपवती को दे दिया था, सोने का दूध दे रही है। अगर वो गाय हमारे पास होती तो अब तक तो हम बहुत अमीर हो चुके होते। सेठ सोना देने वाली गाय को वापस लाने के बारे में सोचने लगा। उसने रविवार के बाजार से एक अच्छी गाय खरीदी और उसे लेकर रूपवती के घर पहुँच गया। क्या हुआ ताऊ जी, अब क्यों आए हो हमारे पास? पिताजी घर पर हैं बेटा? नहीं, ड्यूटी गए हुए हैं। मुझे अपनी बूढ़ी गाय वापस चाहिए। वो गाय मेरी माँ के समान है। तुम उसके बदले में ये स्वस्थ और अच्छी गाय ले सकती हो। अच्छा, अब जब हमने बूढ़ी गाय की सेवा करके उसे अच्छा कर दिया और वह सोने का दूध देने लगी, तो तुम्हें ये गाय वापस चाहिए? नहीं मिलेगी। सोच लो, तुम्हारे पिताजी के अलावा तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो? रूपवती डर जाती है। सेठ सोना देने वाली गाय खोलकर ले जाता है। घर ले जाते ही वह दूध दूना शुरू करता है। अरे ये क्या, ये तो एक बूंद भी दूध नहीं दे रही। अरे आज तो दुआ जा चुका होगा, इसीलिए कल सुबह इसे दूना। उस रात सेठ और सेठानी सो जाते हैं। अगले दिन जब वे सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि गाय ने पूरे घर में 2-2 फुट तक का गोबर कर दिया है। सेठ और सेठानी पलंग से उतरकर बाहर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे दोनों गोबर में गिर पड़ते हैं। उन दोनों का गोबर के अंदर दम घुट जाता है। तभी तो कहते हैं, जो दूसरों के साथ बुरा करता है उसका अंत भी बुरा ही होता है। पुराने समय की बात है, हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों के बीच एक सुंदर गांव बसा हुआ था। गांव में मोतीलाल नाम का एक बुढ़ा आदमी अपनी बूढ़ी पत्नी के साथ रहता था। दोनों की कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे दोनों बहुत दुखी रहते थे। एक दिन मोतीलाल की पत्नी चूल्हे पर खाना बना रही थी और मोतीलाल पास में बैठा खाना खा रहा था। तभी उनके घर कहीं से एक कुत्ता घुस आया। लगता है बेचारा भूखा है। हाँ, आप अपनी रोटी इसे दे दो, मैं आपके लिए और सेक देती हूँ। बूढ़ा आदमी कुत्ते को दूध में डालकर बहुत प्यार से रोटी खिलाता है। खाना खाने के बाद कुत्ता पूंछ हिलाने लगा। अरे ये तो यहाँ से जाना ही नहीं चाहता। हम इसे पाल लेते हैं, इसको हम किच्चू के नाम से पुकारेंगे। बूढ़ा आदमी जब खेत पर जाता तो किच्चू भी उसके साथ जाता। एक दिन जब बूढ़ा आदमी खेत पर काम कर रहा था तो किच्चू एक जगह की मिट्टी खोदने लगा और भौंकने लगा। क्या हुआ किच्चू, क्यों भौंक रहे हो? शायद ये यहाँ की जमीन खोदने के लिए कह रहा है। क्या है यहाँ पर? बूढ़ा फावड़ा लेकर आता है और किच्चू की बताई जगह पर जमीन को खोदना शुरू करता है। किच्चू खुश होकर पूंछ हिलाने लगा। बूढ़े आदमी का फावड़ा एक पत्थर से जा टकराया। उसने पत्थर हटाकर देखा कि पत्थर के नीचे एक घड़ा रखा हुआ है।
बूढ़े ने घड़े को बाहर निकाला। उसमें ढेर सारे सोने के सिक्के रखे हुए थे। बूढ़ा जब घड़ा सिर पर रखकर अपने घर ले जा रहा था तो गांव के एक आदमी चंदर सिंह ने उसे देख लिया। चंदर सिंह रात में बूढ़े के घर पहुंचता है। उसने देखा कि बूढ़ा और उसकी पत्नी सिक्के गिनने में लगे हुए हैं। मोतीलाल, तुम तो कहते थे कि तुम बहुत गरीब हो, अब ये इतने सोने के सिक्के कहां से आए तुम्हारे पास? बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी बहुत ईमानदार थे। वे सब कुछ सच सच चंदन सिंह को बता देते हैं। अपना कुत्ता एक दिन के लिए मुझे दे दो, मैं आपका जिंदगी भर एहसान मानूंगा। ठीक है, ले जाओ। किच्चू चंदर सिंह के साथ जाना नहीं चाह रहा था। चले जाओ किच्चू, एक दिन की ही तो बात है। अपने मालिक के कहने पर किच्चू चंदर सिंह के साथ चल दिया। अगले दिन सुबह चंदर सिंह किच्चू को लेकर अपने खेत की ओर निकल पड़ा। किच्चू अगर कहीं भी रुकता तो चंदर सिंह जोर से उसे डंडा मारता। खेत तक पहुंचते पहुंचते चंदर सिंह ने डंडे मार मार कर किच्चू को अधमरा कर दिया। अब जल्दी से बता दे मेरे खेत में खजाना कहाँ गड़ा हुआ है, वरना एक और डंडा लगाऊंगा। किच्चू को चंदर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने चंदर को मजा चखाने की सोच ली। वो खेत के एक कोने में गया और उसने जमीन खुरचना शुरू कर दिया। चंदर का मन लालच से भर उठा। अब मुझे अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। चंदर जल्दी जल्दी मिट्टी खोदकर घड़ा बाहर निकालता है, लेकिन घड़े में ढेर सारे मेंढक, केंचुए और गिरगिट निकलते हैं। वे उसके हाथों पर चढ़ जाते हैं। ये क्या बला है किच्चू, तू रुक जा अभी। चंदर फावड़ा लेकर बेचारे किच्चू के सिर पर मार देता है। 3 दिन बीत गए। बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी अपने किच्चू का इंतजार कर रहे थे। तुम चंदर सिंह के घर जाकर एक बार पूछ लो, मुझे किच्चू की बहुत याद आ रही है। बूढ़ा चंदर सिंह के घर पहुंचता है। चंदर, किच्चू कहाँ है? तुम्हारा कुत्ता गद्दार निकला, मैंने 3 दिन पहले उसे मारकर मेरे खेत में जो शीशम का पेड़ है वहाँ दफना दिया है। बूढ़ा और बूढ़ी किच्चू की मौत की खबर सुनकर बहुत रोते हैं। बूढ़ा चंदर के घर जाकर कहता है, किच्चू तो मर गया, पर क्या तुम उस पेड़ की कुछ लकड़ी मुझे दे सकते हो जिसके नीचे तुमने किच्चू को दफनाया? बूढ़ा शीशम के पेड़ की कुछ लकड़ी अपने घर ले आता है और उससे एक ओखली बना लेता है। बूढ़ी रोजाना ओखली में धान कूटती थी और किच्चू को याद करती। एक दिन जब बूढ़ी ने ओखली में धान कूटना शुरू किया तो ओखली में से ढेर सारी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ और पकवान निकलने लगे। ये जरूर हमारे किच्चू की कृपा है। बूढ़ा और बूढ़ी गांव के गरीब लोगों के घर मिठाइयाँ और पकवान बांटते हैं। जब चंदर को ओखली से पकवान निकलने के बारे में पता लगता है तो वो मोतीलाल के घर पहुंच जाता है। दद्दा, हमारे घर में खाने को नहीं है, जरा एक दिन के लिए अपनी ओखली हमें दे दे तो बड़ी कृपा होती। दयालु दंपत्ति चंदर को अपनी ओखली दे देते हैं। चंदर ओखली लेकर अपने घर पहुंचता है और अपनी पत्नी से कहता है, जल्दी से इसमें धान कूटना शुरू करो, आज तो बहुत बढ़िया माल पानी खाने को मिलेगा। चंदर की पत्नी लालच में भरकर ओखली को खोदना शुरू करती है, लेकिन ओखली से मिठाइयों और बढ़िया चीजों की जगह भैंस का गोबर, कीचड़ निकलने लगते हैं। ये क्या है? चंदर को गुस्सा आ जाता है। वो बूढ़े की ओखली जलते हुए चूल्हे में झोंक देता है। अगले दिन बूढ़ा चंदर के घर ओखली मांगने आता है। ये गोबर और कीचड़ देख रहे हो, तुम्हारी ओखली से निकली है, मैंने तुम्हारी ओखली चूल्हे में जला दी। बूढ़े आदमी को बहुत दुख हुआ। ओखली जला दी, चलो कोई बात नहीं, उसकी राख ही मुझे दे दो, वही मेरे किच्चू की निशानी होगी। लगता है ये बुढ़ा उस कुत्ते के चक्कर में सठिया गया है।
चंदर दो मुट्ठी द्राख एक थैली में भरकर बूढ़े को दे देता है। बूढ़ा घर लौटकर अपनी पत्नी के पास बैठ जाता है। ओखली कहाँ गई? ओखली जल गई, अब हमारे पास केवल ये राख बची है। हवा का एक झोंका आता है और बूढ़े की मुट्ठी से थोड़ी सी राख उड़कर उसकी बगिया में चली जाती है। मुरझाई हुई बगिया के सारे पौधे हरे हो जाते हैं और उन पर फूल खिल जाते हैं। लगता है किच्चू अभी भी हमारे साथ है। राख से फूल खिलने की खबर गांव में फैल जाती है और बात राजा तक पहुंचती है। राजा तुरंत बूढ़े आदमी को अपने महल बुलाता है। हमारे पास एक बगिया है लेकिन उसकी जमीन बंजर है, जो भी पौधा लगाता हूँ सूख जाता है, क्या तुम कुछ मदद कर सकते हो? बूढ़ा आदमी राजा की बगिया में थोड़ी सी राख उड़ा देता है। राजा की बगिया देखते ही देखते हरी हो जाती है और उसमें फूल खिल जाते हैं। राजा बूढ़े को बहुत सा इनाम देकर विदा करता है। बूढ़ा आदमी अपनी पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल जाता है। उधर जब चंदर की पत्नी को ये बात पता लगती है कि राजा ने मोतीलाल को इनाम दिया है, तो वो चंदर से कहती है, उस ओखली की राख अभी भी हमारे झूले में पड़ी हुई है, तुम भी दावा करो ना कि तुम भी राख से फूल उगा सकते हो। पड़ोसी राज्य के एक राजा की भी बगिया बंजर थी। राजा को जब पता लगता है कि चंदर नाम का एक व्यक्ति राख से फूल उगाने का दावा कर रहा है, तो वो चंदर को अपने राज्य में बुलाते हैं। आप चिंता ना करें, बस मैं अभी आपकी बगिया में फूल खिला देता हूँ। चंदर इनाम के लालच में बगिया में राख उड़ाता है। बगिया में फूल नहीं खिलते, लेकिन सारी राख उड़कर राजा की आंखों में घुस जाती है और राजा की एक आंख अंधी हो जाती है। पकड़ लो इसे सैनिकों और जेल में डाल दो। किसी ने ठीक ही कहा है कि किसी भी कार्य को करते समय हमारी मनोदशा ही महत्व रखती है। अगर हम साफ मन से कोई काम करते हैं तो हमें पुरस्कार मिलता है, और जब हम लालच के वशीभूत होकर कोई काम करते हैं तो हमें दंड मिलता है। नागपुर के एक छोटे से गांव में हर्ष रहता था। हर्ष अपने माता और पिता के साथ रहा करता था। हर्ष के पिताजी एक गरीब किसान और माँ दर्जी थीं। दोनों ही अपना अपना काम करके घर चलाने की कोशिश किया करते थे। हर्ष की पढ़ाई लिखाई के खर्चे की वजह से दोनों बड़े परेशान रहते थे। मुझे मेरे हर्ष की बड़ी चिंता हो रही है, उसकी पढ़ाई लिखाई की। हर्ष अब बड़ा हो गया है और अगर हमने उसका स्कूल में दाखिला नहीं करवाया तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। मैं अपनी कोशिश तो कर ही रहा हूँ भाग्यवान, हमारा हर्ष पढ़ने में बहुत तेज और बहुत बुद्धिमान है। अभी से ही उसे गुणा भाग और अंग्रेजी पढ़ने आ गया है। हम कल सुबह ही उसे लेकर एक बड़े विद्यालय में जाएंगे दाखिला करवाने। हर्ष को लेकर सुबह ही कुसुम और राम नारायण एक बड़े से विद्यालय में जाते हैं। राम नारायण वहाँ की खूबसूरती देखकर दंग रह जाता है। माँ, क्या मैं इस स्कूल में पढ़ूंगा? बिल्कुल बेटा, तुम इसी स्कूल में पढ़ोगे, यहाँ पढ़कर बड़े आदमी बनोगे और ऐसे ही कई सारे स्कूल भी बनाओगे। मुझे बड़ी हिचकिचाहट हो रही है, कहीं हमें ज्यादा पैसे ना भरने पड़ जाए। अरे आप चलो तो, वहाँ चल के देखे तो सही। वहाँ जाते ही उन्हें गेट पर खड़ा चौकीदार रोक लेता है। हेरो, कहाँ चल दिए बिना किसी अनुमति के? वो दरअसल मैं अपने बच्चे का इस विद्यालय में दाखिला करवाने आया हूँ। दाखिला, और वो भी यहाँ? लगता है तुम अपनी औकात भूल रहे हो, यहाँ बस अमीरों के बेटे आते हैं और तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम कहीं कचरा साफ करते हो। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा बच्चा पढ़ने में बहुत होशियार है, कृपया करके हमें अंदर जाने दीजिए, हमारा अपमान मत करिए। मैंने तुमसे कह दिया ना, चले जाओ वरना मुझे अपने इस डंडे का सहारा लेना पड़ेगा। चौकीदार उन्हें वहाँ से डांट कर भगा ही रहा था कि उस विद्यालय के एक मास्टर वहाँ आ जाते हैं और राम नारायण और उसके परिवार की दशा देखकर कहने लगते हैं, चौकीदार मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है,
लोगों से इस तरह की बातें मत किया करो। चलो जाओ और अपना काम करो, मैं इन्हें देख लूंगा। आप सब मेरे साथ मुख्य अध्यापक के ऑफिस में चलिए। और सब मिलकर मुख्य अध्यापक के ऑफिस में चले जाते हैं। जी मैम, वो ये हमारे विद्यालय में अपने बच्चे का दाखिला करवाने आए हैं, इसीलिए मैं इन्हें अंदर ले आया। बच्चा बड़ा होशियार और काबिल है। कहिए क्या बात है, आपको हमारे स्कूल का नाम पता है? ये दीन दयाल स्कूल है, ये बहुत बड़ा कॉन्वेंट स्कूल है। अंग्रेजों के तौर तरीके सिखाते हैं हम यहाँ पर बच्चों को, ताकि उनमें अनुशासन रहे। हम अपने बच्चे के अंदर यही सारे गुण चाहते हैं, और इसीलिए हम जितना चाहे उतना पैसा देने को तैयार हैं। राम नारायण के इतना कहने से प्रिंसिपल और उस मास्टर की आंखें लालच से चमक जाती हैं। तब मास्टर ने उस प्रिंसिपल मैडम से चुपके से कहा, ये गरीब भले हैं, लेकिन इनकी लाचारी का हम पूरा फायदा उठा सकते हैं। अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए ये पूरे पैसे दे देंगे, अगर आप कहें तो इनसे दो गुने ज्यादा पैसे ले लूं। ये भी कोई कहने की बात है, उनके यहाँ से पैसे आएंगे तभी तो हमारे बच्चे और परिवार खुशी से रहेंगे। जितना लूट सकते हो लूट लो। हमारे विद्यालय में 25,000 में दाखिला होता है, मैं इन्हें 50,000 कहूँगा, आप हामी भर देना। राम नारायण, तुम 50,000 रुपए लाकर दे दो और अपने बच्चे का इस विद्यालय में दाखिला करवा दो। मालिक, इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा, क्या मुझे थोड़ा वक्त मिल सकता है क्या? देखो, अगर अपने बच्चे की भविष्य की सुरक्षा चाहते हो तो दाखिला लो, वरना हमारा समय बर्बाद मत करो, दफा हो जाओ, जब पैसे हो जाए ना तब आना। राम नारायण, कुसुम और हर्ष वहाँ से निराश होकर घर चले जाते हैं। पिताजी, मेरे उम्र के सारे बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, अच्छी अच्छी टिफिन लेकर, मैं कब जाऊंगा? तुम जरूर जाओगे बेटे, बस थोड़ा सा इंतजार करो। मुझे हर्ष की बड़ी चिंता हो रही है, 50,000 रुपए हम कहाँ से लाएंगे? अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्यों ना हम चलकर गांव में रामू काका की मदद ले, गांव में सबसे पुराने और पढ़े लिखे वही हैं, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। राम नारायण और कुसुम रामू काका के घर जाते हैं और उन्हें सारी समस्या बताते हैं। तब रामू काका उनसे कहते हैं, तुम अपने बच्चे को हमारे गांव के विद्यालय में क्यों नहीं डाल देते? हमारे गांव के विद्यालय में? हमारे गांव में विद्यालय है कहाँ? गांव में कोई अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता, इसीलिए तो उन्हें दूसरे गांव या शहर के विद्यालय में डाला जाता है। तुम दोनों मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें अपने गाँव में ही कुछ दिखाता हूँ। रामू काका उन्हें जंगल के रास्ते से एक गुफा की ओर ले जाते हैं और कहते हैं, इस गुफा में जाओ, तुम्हें सब पता चल जाएगा। जैसे ही कुसुम और राम नारायण गुफा में जाते हैं, किसी दूसरे ही दुनिया में पहुंच जाते हैं और उनके सामने एक बड़ी सी पाठशाला नजर आती है जो पूरी सोने की होती है। उस पाठशाला में सोने की घंटी होती है, सोने का ब्लैक बोर्ड, सोने का बेंच जिस पर सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं। ये सारी चीजें देखकर कुसुम और राम नारायण चौंक जाते हैं और रामू काका से पूछते हैं, ये सब कैसे हो सकता है? हमारे गांव में सोने की पाठशाला कैसे हो सकती है, और ये गुप्त क्यों है? तब जाकर रामू काका उन्हें सब बताते हैं। अंग्रेजों के डर की वजह से ये स्कूल हमारे पूर्वजों ने यहाँ बनवाया था, ताकि हमारी संस्कृति और विचार ना बदले। मेरे पिताजी इस विद्यालय के शिक्षक थे, एक दिन उन्हें अंग्रेजों ने पकड़ लिया। तुम दो कौड़ी के लोग हमारे जैसे स्कूल्स खोल रहे हो, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अपने बच्चों को पढ़ा कर तुम हमसे आगे बढ़ना चाहते हो, ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। तुम हमसे चाहते क्या हो, हम क्या करें? पूरे नागपुर गांव में जितना सोना है तुम हमें ला कर दो, और अपनी ये गंदी सी स्कूल बंद करके यहाँ से चले जाओ। मैं इन्हें ये सोना हरगिज नहीं दूंगा, सारे सोने को लेकर उस जंगल के गुफा में छुपा दूंगा और अपनी अलग दुनिया बनाऊंगा। उस वक्त से लेकर अब तक हम नागपुर गांव वाले इस सोने के स्कूल को खुफिया तरीके से चला रहे हैं। हे भगवान, तो असली बात ये है, क्या आप मेरे बच्चे को भी इस सोने के स्कूल में दाखिला देंगे? कृपा करें राम काका, मेरे बच्चे को शिक्षा की बहुत जरूरत है। मैं तुम्हारे बेटे को इस विद्यालय में तभी लूंगा जब तुम शहरी विद्यालय की पोल खोलोगे,
उन लोगों ने हमारे गांव के कई सारे लोगों को ठगा है। उन्हें तुम्हें पकड़वाना होगा। हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे, उन्हें सजा दिलवा कर रहेंगे। इसके लिए हमें एक सबूत देना होगा। तुम उसकी चिंता मत करो, जितने पैसे उन्होंने मंगवाए हैं उतने पैसे लेकर जाओ। मैं पीछे से पुलिस को बता दूंगा, तब उन्हें रंगे हाथ हम पकड़ लेंगे। कुसुम और राम नारायण ने ऐसा ही किया। वो पैसे लेकर उस महंगे विद्यालय में चले गए और राम नारायण ने प्रिंसिपल से कहा, जी ये लीजिए आपके पैसे, पूरे 50,000 हैं। हाँ हाँ, लाओ लाओ। मुझे पहले से ही पता था कि तुम अपने बच्चे को हमारे पास ही पढ़ाओगे। अरे इतना अच्छा स्कूल जो है, और कहाँ सोने की पाठशाला में पढ़ता। लाओ मुझे पैसे दो। जैसे ही राम नारायण ने पैसे प्रिंसिपल को दिए, पैसे हाथ से लेते ही उस कमरे में पुलिस वाले घुस गए और उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। तुम्हें हम हवालात में अच्छी शिक्षा देंगे। मैं और मेरे पति मेहनत करके दिन रात लोगों के घरों का काम करके अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते थे, और तुम हो कि तुम्हें शर्म ही नहीं है। प्रिंसिपल और मास्टर दोनों रंगे हाथ पकड़े गए और इसी तरह हर्ष अपने सोने की पाठशाला में अपनी शिक्षा पूरी करने लगा। मीनाक्षी और गुंजन एक दूसरे के पड़ोसी थे। दोनों में बहुत प्यार मोहब्बत था। उनके घर के सामने से कई फेरी वाले गुजरते थे। मीनाक्षी जब भी कुछ खरीदती तो गुंजन को आवाज जरूर लगा देती, गुंजन, अरे ओ गुंजन, गोभी वाला आया है, मात्र 10 रुपए किलो गोभी बेच रहा है, तुम भी ले लो, फिर कहोगी कि बताया नहीं। इसी तरह गुंजन भी जब कुछ खरीदती तो मीनाक्षी को बुला लिया करती। एक दिन दोपहर में एक मटर बेचने वाला आया। ताजी हरी मटर ले लो, मटर वाला 30 रुपए किलो मटर। मीनाक्षी अपने घर से बाहर आकर मटर देखने लगी। ले लो बहन जी, एकदम कच्ची मटर है, कल ही खेत से तोड़ी है। ठीक है, 1 किलो तोल दो। मीनाक्षी ने हमेशा की तरह गुंजन को आवाज दी, गुंजन, ओ गुंजन, मटर वाला आया है, अच्छी मटर है, लेना है तो आ जाओ। संयोग से गुंजन उस दोपहर रजाई ओढ़कर गहरी नींद में सो रही थी। मीनाक्षी के कई बार आवाज देने पर भी जब गुंजन बाहर नहीं आई तो मीनाक्षी ने अपने लिए मटर खरीद लिए और मटर वाला चला गया। शाम को जब मीनाक्षी सब्जी बनाने के लिए मटर छीलने बैठी तो उसके होश उड़ गए। मटर में से सोने के दाने निकल रहे थे। उसी समय मीनाक्षी का पति शुभम ड्यूटी से लौट कर आया। शुभम स्वार्थी और लालची किस्म का इंसान था। सोने के मटर के दाने देखकर वह बहुत खुश हुआ। अरे वाह, हम तो माला माल हो गए। तुमने 1 किलो मटर ही क्यों खरीदी, कम से कम 10-12 किलो मटर खरीद लेती। मुझे क्या पता था कि मटर में से सोने के दाने निकलेंगे, पता होता तो ज्यादा खरीद लेती। मीनाक्षी के पति ने पूरे गांव में अपने अमीर होने का खूब दिखावा किया। जब गुंजन को पता लगा कि मीनाक्षी ने ऐसे मटर खरीदे हैं जिसमें से सोना निकला है, तो वह मीनाक्षी के घर पहुंची। क्यों मीनाक्षी, तुमने मटर अकेले अकेले खरीद लिए? मैं जब भी कुछ खरीदती हूँ तो हमेशा तुम्हें आवाज लगाती हूँ। मैंने तुम्हें आवाज दी थी लेकिन तुम घर से बाहर ही नहीं निकली, शायद तुम सो रही थी। अच्छा हाँ, मैं परसों दोपहर थोड़ा सा सो गई थी, मुझे लगा कि तुमने जानबूझकर मुझे नहीं बुलाया। मुझे माफ करना कि वह मटर वाला कभी दोबारा आए तो मैं भी उससे मटर खरीदूंगी। गुंजन जब घर पहुंची तो गुंजन का पति उससे बोला, अब पता लगी तुम्हें अपनी मीनाक्षी बहन की असलियत। तुम तो कहती थी कि मीनाक्षी बहुत अच्छी है, अब देखा कैसे वो सोने की मटर अकेले खरीद कर बैठ गई। हमें गलतफहमी हो गई है, मीनाक्षी ने मुझे आवाज दी थी लेकिन उस दोपहर नींद में होने के कारण मैं मीनाक्षी की आवाज सुन ही नहीं पाई थी। मैं नहीं मानता, वो झूठ बोल रही है। उसने तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके साथ साथ हम लोग भी अमीर हो जाएं। उधर मीनाक्षी का पति शुभम काम धंधा छोड़कर घर बैठ गया था और हमेशा सोने के मटर के दानों की रखवाली करता रहता था। मीनाक्षी उससे बोली, क्यों ना हम
आधे किलो मटर गुंजन के घर दे आए, हमारे साथ उन लोगों के घर भी सुख समृद्धि आ जाएगी, तो इसमें बुरा क्या है? क्या तुम पूरी पागल हो गई हो? आधे किलो सोने की मटर गुंजन के घर दे आओगी? अरे इन मटर के दानों से मुझे पूरा जीवन गुजारना है। अगर आधे मटर के दाने तुमने गुंजन को दे दिए तो मुझे आधी जिंदगी काम करना पड़ेगा, इसलिए आधे किलो मटर गुंजन को देने की बात बिल्कुल भूल जाओ। एक दिन गली में एक और मटर बेचने वाला आया। इस बार गुंजन के पति ने उसे पकड़ लिया और उसके सारे मटर खरीद लिए। मटर कम से कम 50 किलो थे। गुंजन और उसके पति ने मटर छीलने शुरू किए, लेकिन किसी भी मटर में सोने के दाने नहीं निकले। गुंजन के घर 50 किलो मटर का कोई काम तो था नहीं, इसलिए वह पड़े पड़े खराब होने शुरू हो गए। क्यों ना मैं कुछ किलो मटर मीनाक्षी को दे आऊं? यहाँ तो ये खराब ही हो जाएगी। गुंजन ने एक बोरी में मटर भरी और कुछ मटर मीनाक्षी को दे आई। मीनाक्षी गुंजन के व्यवहार पर बहुत खुश हुई। उसने मन में ठान लिया कि वह किसी भी तरह आधे किलो सोने के मटर गुंजन को दे कर रहेगी। मीनाक्षी बाजार जाकर हरे और गोल्डन कलर का पेंट खरीद लाई। उसने आधे किलो हरे मटर पर गोल्डन पेंट कर दिया। एक सुबह जब उसका पति टॉयलेट में था तो मीनाक्षी ने जल्दी से आधे किलो सोने के मटर के दाने उठाए और उसकी जगह अपने पेंट किए हरे मटर के दाने रख दिए। दोपहर में वह अपने पति से बोली, सुनिए जी, मैंने साधारण मटर की सब्जी बनाई है, सब्जी थोड़ी ज्यादा बन गई है, कुछ सब्जी मैं गुंजन के घर देकर आना चाहती हूँ। शुभम ने भगोने में देखा तो उसे हरे मटर दिखाई दिए, क्योंकि मीनाक्षी ने सोने के मटर पर हरा पेंट कर दिया था। इस तरह मीनाक्षी ने अपनी चतुराई से आधे किलो सोने के मटर गुंजन के घर पहुंचा दिए। गुंजन और मीनाक्षी में पहले जैसी गहरी दोस्ती हो गई। मीनाक्षी, एक बात बताओ, जब तुम्हारे पति को पता लगेगा कि आधे मटर के दाने सोने के नहीं साधारण है, तो तुम उनसे क्या कहोगी? कह दूंगी कि मुझे क्या पता, हो सकता है मटर वाले ने हरे मटर के दानों पर गोल्डन पेंट करके हमें उल्लू बना दिया हो। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी फतेहगंज नाम का एक गांव था, जहां सूरज अपने परिवार के साथ रहता था। सूरज तरबूज की खेती करता था। उसकी दो बेटियां थी, ज्योति और मालू। पिताजी, मालू ने बिना कुल्ला किए ही चावल खा लिए। पिताजी, इसने मेरा टूथब्रश अपने सड़े हुए मुंह में डालकर खराब कर दिया, इसलिए मैंने आज दांत नहीं मांजे, मुझे नया ब्रश ला कर दो। मालू बेटी, तुम अपना ब्रश अच्छे से धोकर साफ कर लो, ज्योति तुम्हारी बहन ही तो है, अगर उसने तुम्हारा ब्रश इस्तेमाल कर लिया तो कौन सी आफत आ गई? इस बार तरबूज की खेती बहुत हल्की हुई है, इसलिए बहुत सोच समझकर खर्च करना होगा। कल मैं तरबूज बेचने मंडी जाऊंगा, देखते हैं इस बार कितने पैसे मिलते हैं। मंडी गांव से दूर शहर में थी। मंडी का ठेकेदार मोतीराम एक चालाक और कंजूस इंसान था, जो किसानों का शोषण करता था। इस साल मुझे बेटी की शादी करनी है, 10-12 लाख से कम खर्चा नहीं होगा, मुझे हर हालत में इस सीजन में मोटा प्रॉफिट कमाना है। हरिया, कुछ अपना दिमाग चला और बता मैं कैसे किसानों से कौड़ी के भाव फसल हासिल कर सकता हूँ। मैंने सोचा है कि कुछ कमजोर किसानों के पैसे रोक लिया जाए, गरीब किसान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, तू क्या कहता है? मालिक, अगर आपने किसानों के पैसे रोके तो वे अगली बार हमारे पास माल बेचने नहीं आएंगे, वे किसी और मंडी में चले जाएंगे। मेरे पास इससे बेहतर उपाय है, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मालिक, अगले दिन सूरज मोतीराम के पास अपनी तरबूज की फसल लेकर पहुंचा। सूरज, तुम्हारे खेत का तरबूज बहुत मीठा होता है, वैसे तो तुम्हारे 45,000 बनते हैं, लेकिन मैं तुम्हें 50,000 देता हूँ। सूरज ने पैसे अपने थैले में रखे और खुश होकर अपने घर लौटने लगा। ज्योति और मालू के लिए एक एक सूट का कपड़ा खरीद लेता हूँ और 2 नए टूथब्रश भी। सूरज अपने विचारों में मग्न था। अचानक 2 मोटरसाइकिल सवार आए और सूरज का थैला छीन कर फरार हो गए।
चोर चोर कोई पकड़ो मेरा थैला, चोर चोर। दोनों चोर मोतीराम ने ही भेजे थे। इस तरह चालाकी से मोतीराम ने सूरज के तरबूज फ्री में हासिल कर लिए। सूरज रोता हुआ मोतीलाल के पास पहुंचा और उसने मोतीलाल को सारी बात बताई। तुम्हारे पैसे छिन गए तो मैं क्या करूं? मैंने तो तुम्हें पूरी रकम दी थी। सेठ जी, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, मेरी कुछ तो मदद कीजिए। दो तरबूज उठा लो और जाओ यहाँ से। आज भर के लिए तुम्हारे परिवार का खाने का इंतजाम हो जाएगा। सूरज बेचारा हाथों में तरबूज लिए रोता हुआ घर लौटने लगा। रास्ते में एक महात्मा आ रहे थे। बेटा, बहुत प्यास लगी है, क्या तुम इस तरबूज मुझे दे सकते हो? सूरज ने एक तरबूज महात्मा को दे दिया। सूरज की आंखों में आंसू देखकर महात्मा उसकी परेशानी समझ गए। उन्होंने सूरज को आशीर्वाद दिया। आज से ठीक एक वर्ष बाद तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। सूरज और उसकी बेटियों के लिए वह साल बहुत कष्टकारी रहा। पैसों के अभाव में उन्होंने सिर्फ चटनी और रोटी खाकर काम चलाया। पिताजी, मुझसे और चटनी रोटी नहीं खाई जाती। बेटा, जब तक अगली फसल नहीं उग जाती, हमें धैर्य रखना होगा। आखिरकार किसी तरह एक वर्ष बीत गया और सूरज के खेत में नई फसल आ गई। ज्योति ने एक दिन एक तरबूज काट कर देखा तो वह चिल्ला पड़ी। पिताजी, मालू, यहाँ आओ। क्या हुआ? क्यों चुड़ैल की तरह चिल्ला रही हो? तरबूज में सोने का बॉल है। सूरज और उसकी बेटियों ने खेत के बाकी तरबूज काट कर देखे। उन सभी में सोने की बॉल निकली। ये सब उन महात्मा के आशीर्वाद से ही हो रहा है। सूरज तरबूज में निकले सोने की वजह से बहुत अमीर हो गया। हरिया ने ये सारी बात मोतीराम को बताई। मालिक, सूरज अब आपसे ज्यादा अमीर हो गया है। उसके खेत में लगे तरबूजों में सोना निकल रहा है। गांव के लोग बताते हैं कि किसी महात्मा के आशीर्वाद से ये सब हुआ। चिंता मत करो, अगले साल जब उसके तरबूज आएंगे तो उसके तरबूज काटने से पहले ही हम तरबूजों से सोना निकाल लेंगे। अगले सीजन में जब सूरज के खेत में तरबूज उगे तो एक रात मोतीलाल अपने नौकर के साथ कच्चे तरबूज ही काटने पहुंच गया। उसने अपने नौकर के साथ मिलकर तरबूजों का सोना निकाल लिया और अपनी पीठ पर लाद लिया। हम अभी घर नहीं जाएंगे क्योंकि सूरज पुलिस को खबर कर देगा तो हमारे घर सोना पकड़ा जाएगा। नदी पार मेरी मौसी का घर है, वहीं चलते हैं। लेकिन मालिक, इतना बोझ लेकर नदी कैसे पार करेंगे? अरे, उस नदी में बहुत कम पानी है, इतना क्यों डरता है? मोतीराम और हरिया अपनी पीठ पर भारी भरकम सोने का वजन लादकर नदी पार करने लगे। संयोग से उसी समय नदी के डैम से पानी छोड़ दिया गया। नदी में पानी का स्तर बहुत बढ़ गया। पीठ पर ज्यादा वजन होने के कारण मोतीलाल और उसका नौकर नदी में डूबकर मर गए। किसी ने ठीक कहा है, न्याय के हाथ लंबे होते हैं। अशोक एक बनकाम मजदूर था जो शहर में मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था। उसको रोज की मजदूरी से 300 रुपए मिला करते थे। अशोक एक किराए के घर में रहता था अपने पूरे परिवार के साथ। उसके परिवार में उसकी पत्नी अनुराधा और उसके तीन बच्चे थे, भुवन, जीवन और नंदिनी। ये लो अनुराधा, आज की दिहाड़ी। हाँ, कल मैंने किराएदार को 3000 किराया दे दिया। अच्छा किया। हाँ, काश आपका वेतन बढ़ जाए। इतने कम वेतन में हम पैसे कैसे बचत कर सकते हैं? भगवान करे ऐसा जल्दी हो, पर अब जो भी है वो है। कम से कम मैं खुश हूँ कि हमारे खाने के लाले नहीं है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं और हम भर पेट खाना खा रहे हैं। भगवान को लाख लाख धन्यवाद। हाँ बिल्कुल, भगवान जी की हम पर बहुत कृपा है। अशोक और अनुराधा भले ही गरीब थे पर उन्हें अपनी परिस्थिति से कोई बैर नहीं था। वो खुश थे और संतुष्ट थे। अनुराधा अक्सर गरीबों की मदद किया करती थी। एक दिन की बात है, अनुराधा बाजार में सब्जियां खरीद रही थी। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत रास्ते पर भीख मांग रही है। बहुत भूख लगी है बेटा, कई दिनों से कुछ नहीं खाया। आसपास के लोग बूढ़ी औरत को देख रहे थे पर कोई भी
उसे पैसे नहीं दे रहा था। अम्मा, आपको बहुत भूख लगी होगी ना, आइए मेरे साथ। अनुराधा उस औरत को बगल के एक छोटे से ढाबे पर ले गई। भैया, अम्मा को पेट भर के खाना खिला दो, ये लो पैसे। अनुराधा ने ढाबे वाले को पैसे दे दिए और ढाबे वाले ने अम्मा को खाना खिला दिया। कई दिनों से भूखी अम्मा हड़बड़ी में खाना खाने लगी। अनुराधा वहीं पास बैठी थी जब अम्मा ने पूरा खाना खा लिया। और कुछ चाहिए अम्मा? नहीं बेटा, पेट भर गया, भगवान तुम्हारा भला करे, तुम जोग जोग जियो, हमेशा खुश रहो। अनुराधा ने अम्मा के हाथ में कुछ और पैसे दिए। ये रखिए, आपको जब वापस भूख लगेगी कुछ खा लीजिएगा। शुक्रिया, तू बहुत अच्छी है बेटा, तेरे साथ कभी बुरा नहीं होगा। जब तुझे मदद की जरूरत होगी, तुझे मदद हमेशा मिलेगी। अनुराधा वहाँ से मुस्कुराकर चली गई। अनुराधा की तरह अशोक भी बहुत अच्छा था, वो भी लोगों की मदद कर दिया करता था। चाचा, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। पर बेटा, ये बहुत भारी है। मजदूर के लिए ये कौन सा भारी होगा, चलिए। अशोक ने उस बूढ़े आदमी का सामान उसके घर तक पहुँचाया। शुक्रिया बेटा, तेरी बहुत मेहरबानी है, भगवान तेरा हमेशा अच्छा करे। अब मैं चलता हूँ चाचा। अनुराधा और अशोक भले ही गरीब थे, पर वो किसी की भी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। अनुराधा और अशोक के अच्छे कर्मों की कोई गिनती नहीं थी, उन्हें जब मौका मिलता वो किसी न किसी की मदद किया करते ही थे। कुछ महीने बीत गए। एक दिन अशोक एक बिल्डिंग का बनकाम कर रहा था। वो काफी ऊंचाई पर चढ़ा था और बदनसीबी से उसके पैरों के नीचे का बम्बू टूट गया और अशोक इतनी ऊंचाई से नीचे गिरा कि वो जख्मी था। जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर ने उसकी पट्टी कर दी। भगवान का शुक्र है कि कोई गहरी चोट नहीं आई है, घुटने की एक हड्डी टूट गई है जिसे जुड़ने में 2 से 3 महीने लग सकते हैं, पर तब तक इन्हें बिल्कुल भी काम नहीं करना होगा। 2-3 महीने? 2-3 महीने आराम करने की बात सुनकर दोनों सहम गए। अशोक तो एक दिहाड़ी वाला मजदूर था, उसे तो रोज काम के ही पैसे मिलते थे। 2-3 महीने अगर उसे घर पर बैठना पड़े तो उसका घर कैसे चलेगा? अब हम क्या कर सकते हैं? आप फिकर मत कीजिए, मैं कुछ ना कुछ काम ढूंढ लूंगी जिससे हमारा गुजर बसर तो हो ही जाएगा। और कोई रास्ता भी नहीं है, सोचा नहीं था भगवान ये दिन भी दिखाएगा। अशोक और अनुराधा के बचाए हुए पैसे इलाज में खर्च हो गए। अब उनके पास बहुत ही कम पैसे बचे, कुल मिलाकर अब 300 रुपए ही बचे हैं। इसमें तो बस 2-3 दिन का राशन ही आएगा। अब मुझे जल्दी काम मिल जाना चाहिए, कितने दिनों से मैं काम ढूंढ रही हूँ। भगवान करे मुझे जल्दी काम मिल जाए ताकि हम पर भूखे मरने की नौबत ना आए। हाँ, भगवान से यही प्रार्थना है। खैर, मैं इन पैसों से जो बन पड़ेगा ले आती हूँ। हाँ। अशोक और अनुराधा दोनों परेशान थे, उनकी आर्थिक स्थिति बिकट थी। वो 300 रुपए लेकर अनुराधा बाजार गई। वहाँ उसने चावल दाल और कुछ सब्जियाँ ले ली। अब अनुराधा के पास बस 10 रुपए बचे थे। वो घर लौट रही थी कि उसका ध्यान उसी बूढ़ी औरत पर गया। बहुत भूख लगी है बेटा, कई दिनों से कुछ नहीं खाया, कुछ खाने को हो तो दे दो। बेचारी, लेकिन आज इसे पेट भर के खाना खिलाने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं है, बस 10 रुपए हैं, इसमें क्या आएगा? अनुराधा ने यहाँ वहाँ देखा तो एक पकौड़े की दुकान थी। मुझे 10 रुपए के पकौड़े दे दीजिए। अनुराधा ने दुकानदार को 10 रुपए दिए और पकौड़े ले लिए। वो पकौड़े लेकर अनुराधा उस बूढ़ी औरत के पास गई। अम्मा, आज मैं तुम्हें पेट भर तो नहीं खिला सकती, पर ये खा लो। उस बूढ़ी औरत ने पकौड़ों के कागज को हाथ लगाया और बोली, आज ये पकौड़े तू अपने घर ले जा बेटी, समझ ले मैंने खा लिए, आज इस पर तेरा हक है। अम्मा, पर आपको भूख लगी है ना? वो बूढ़ी औरत मुस्कुराई और देखते ही देखते अनुराधा की आंखों के सामने से ओझल हो गई। अनुराधा हड़बड़ा गई। वो बूढ़ी औरत को यहाँ वहाँ ढूंढ रही थी, पर वो उसे कहीं नहीं मिली। फिर अनुराधा घर लौटी, अपने पति अशोक को ये सारी बातें बताई। ऐसे कैसे कोई गायब हो सकता है? पता नहीं,
मैं भी हैरान थी। अच्छा वो पकौड़े दिखाओ। अशोक ने पकौड़े का कागज खोला और दंग रह गया। कागज के अंदर सोने के पकौड़े रखे थे। सोना? इतना सारा सोना? ये सच है क्या? हाँ, पर कैसे? शायद उस बूढ़ी औरत की वजह से। उस रोज उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था। शुक्रिया, तू बहुत अच्छी है बेटी। तेरे साथ कभी बुरा नहीं होगा। जब तुझे मदद की जरूरत होगी, तुझे मदद हमेशा मिलेगी। हाँ, तुम्हारी अच्छाई की वजह से हमें आज अपनी जरूरत के समय मदद मिली है अनुराधा। भगवान का लाख लाख शुक्रिया। इस दिन के बाद अशोक और अनुराधा की जिंदगी बदल गई। अशोक का इलाज हो गया और अब वो बनकाम मजदूर नहीं रहा। अनुराधा और अशोक ने खुद का घर खरीद लिया और एक दुकान भी। अब दोनों साथ काम करते थे। सोने के पकौड़ों ने अशोक और अनुराधा की जिंदगी ही बदल दी।